नमस्कार बच्चों, आपका वीडियो में स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिरिचलेट इंटीग्रल की स्टडी कर रहे थे। डिरिचलेट इंटीग्रल बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हमने, प्रूफ भी उसका देखा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो भी। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसका ही एडवांस्ड है। एडवांस्ड पार्ट कैसे बोल सकते हैं हम, कि यदि मैं आपको पहले प्रीवियस बात याद दिलाता हूँ, यदि ऐसा हो सकता है कि यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये जरूर है कि डिरिचले इंटीग्रल पर बेस्ड जो वीडियोस हैं वो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ तभी समझ आएगा। हमें कहा गया था कि यदि सारे एक्स वाई जेड ऑल आर पॉजिटिव, देन एक्स टू एल माइनस वन, वाई टू देर एम माइनस वन, जेड टू देर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसकी वैल्यू इंटीग्रल की गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एन प्लस वन, ये था एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन, दिस वन। अब हुआ क्या है, इतना तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये है, इसने पहले हम इसके स्टेटमेंट देते हैं, चाहे आप इसे ऐसे बोले एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल या लवली इंटीग्रल। इसमें कहा है इफ द वेरिएबल एक्स वाई ऑल आर पॉजिटिव एंड सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड लाइज बिटवीन एच वन टू एच टू, दिस इज द कंडीशन, इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन। देन x टू दियर l माइनस वन, y टू दियर m माइनस वन, z टू दियर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये तो डिरिचले ही था। बट अब डिरिचले उसी इंटीग्रल में यदि इतना ये फंक्शन x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन यदि दिखाई दे, ऐसा मतलब कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर हो, log x प्लस वाई प्लस जेड हो, e टू दी पावर x प्लस वाई प्लस जेड हो, या वन ओवर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन टू दियर थ्री हो, कुछ इस टाइप का यदि आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्सटेंशन है डिरिचले का। तो ऐसे में जो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, हमें कोई अब डेरिवेशन की जरूरत नहीं, हमें इसे अप्लाई करते हैं, तो गामा एल गामा एम गामा एन ओवर एल प्लस एम प्लस एन। अक्सर हम गलती करते हैं, यहाँ पे प्लस वन होता है, यहाँ पे प्लस वन नहीं है, इट इज गामा एल प्लस एम प्लस एन। इंटीग्रल लाइन सिंगल इंटीग्रल ओवर एच वन टू एच टू, ये जो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज यू। सो एफ यू इंटू यू टू द पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू टू यू डी यू, और इसको इंटीग्रेट करके जो भी आएगा हमारा वो रिजल्ट हो जाया करेगा। वैसे इसका लेटर प्रूफ भी हम देखेंगे कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं, बट इस वीडियो में आप क्वेश्चंस देख रहे हैं। ओके बच्चो, इस पर बेस्ड मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और एग्जाम्पल कुछ ऐसे है, एग्जाम्पल वन है इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन ई टू दी आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, दिस वन ई टू दर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड डी एक्स डी वाई डी जेड टेकन ओवर एन या पॉजिटिव ऑक्टेंट, पॉजिटिव ऑक्टेंट बोल तो ऑल आर पॉजिटिव, एक्स वाई जेड ऑल आर पॉजिटिव, दिस वन सच दैट, हाउ सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस और इक्वल वन, दिस इज लेस और इक्वल वन, दिस इज द कंडीशन। ओके नाउ बच्चों, ये दिया है तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। This integral can be written as this one dx dy dz can be written as triple integration e to the x plus y plus z into x to the l minus 1. What is x to l minus 1? We need this format. So x to the 0 hai, it can be written as x to the 1 minus 1. Kyunki hai nahi hai. y की भी पावर जीरो है, ये भी ऐसे लिखा जा सकता है, z की भी पावर जीरो ऐसे लिखा जा सकता है, एंड देन दिस इज डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। नाउ बच्चो, अब ऐसा यदि आया तो ये फॉर्मेट है, यदि हम कंपेयर करें देन वी कैन से दिस इज योर l, दिस इज योर m, दिस इज योर n, एंड वी एज्यूम दैट दिस इज यू। सो गामा l वी अप्लाई, तो आई एम सेइंग हियर बाय अप्लाइंग एक्सटेंशन ऑफ डिरिचले इंटीग्रल और लवली इंटीग्रल, व्हाट इज गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन इंटीग्रेशन, दिस इज सेइंग
ओवर पॉजिटिव ऑक्टेंट सच दैट दिस वन मीन्स पॉजिटिव ऑक्टेंट 0 to 1 दिस इज हाइएस्ट वैल्यू. देन e to the power fu function is fu, then e to the power u, this u to the power l1, this is 1 minus 1 du. We have to solve this integral. Gamma 1 is always 1, this is 1, this is 1, gamma 3 is 2. 0 to 1 e to the power u and u square du. Bacho, yadi hum isko integrate karein तो आपको पता है शॉर्टकट मेथड फर्स्ट ये होगा, दिस वन इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एलजेब्रिक आईलेट से. सो यू स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज ई टू आर यू का इंटीग्रेशन ई टू आर यू ही होगा माइनस इसका डिफरेंशिएशन टू यू और इसका इंटीग्रेशन यही होगा, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा टू इसका इंटीग्रेशन ये नेक्स्ट जीरो होगा. तो आई थिंक यू नो इट एंड लिमिट जीरो टू वन. बच्चों मैं यहाँ से वन बाई टू और वैल्यू रखाता हूँ. जब वन रखेंगे हर जगह हम वन रखेंगे यहाँ पर. अब पहले एक काम कर सकते हैं, हम ई टू दी आर यू कॉमन ले लें तो यू स्क्वायर माइनस टू यू प्लस वन दिस इज ज़ीरो टू वन. मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा ज़रूर. बच्चों लास्ट लाइन है हाफ ऑफ, जब वन रखेंगे तो ये ई रह जाएगा और दिस इज ज़ीरो, ये वन माइनस टू प्लस वन इट्स कमिंग ज़ीरो. वी आर पुटिंग u is 1, so 1 plus 1 minus 2, तो ये तो 0 आ गया, this is 0, and value यदि यहाँ पे देखें हम, कुछ गलत हो रहा है हमारा, नहीं, and minus, जब हम 0 put करेंगे, तो 0, 1 होगा, और 1 होने पर ये, we are putting 1, so 1 plus 1, 2, 2 minus 2, 0 हो रहा है, यदि हम 0 put करते हैं, तो e to 0, 1, ये ज़ीरो वन, तो दिस इज़ वन ओनली, सो माइनस वन बाई टू. यू कैन चेक इट, इज़ देर एनी प्रॉब्लम? इंटीग्रेशन हमने सही किया है, यू स्क्वायर ई टू आर यू माइनस टू यू ई टू आर यू एंड दिस इज प्लस टू. ओके प्लस टू, इट वॉज प्लस टू, ये गलती कर रहे थे हम, शुरुआत गलती ये थी, अब ठीक है. सो इट विल बी ई टू द पावर यू, वन पुट कर रहे हैं तो ई वन प्लस टू थ्री, थ्री माइनस टू वन, एंड यदि हम जीरो पुट करते हैं तो ये वन होगा और सिर्फ ये रह जाएगा, दिस इज माइनस टू ऑनली. यस, सो ई टू ई माइनस टू ओवर टू, ये वैल्यू हमारी होगी हमारे पास ये अप्लाई करने के बाद आ गया, या फिर ई बाई टू माइनस वन हम लिख सकते हैं. तो बच्चों ये था फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, ऐसा नहीं है और क्वेश्चन आपको ये आसान था और थोड़ा टिपिकल टाइप ले लेते हैं ये एग्जाम्पल. यस हटा देते हैं इसको. बच्चों इस क्वेश्चन में हमने देखा ई टू दर एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, यदि इसी में ही हम कहें कि लॉग आ जाए, एग्जाम्पल नंबर टू ले लेते हैं हम, और हमसे कहा जाए कि आप इसको सॉल्व करिए लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड दिस वन द इंटीग्रल क्वेश्चन लैंग्वेज इज दिस वन द इंटीग्रल क्वेश्चन है हमारा लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड the integral is extending over all positive all values and 0 values of x y z such that yeah, subject to conditions x plus y plus z less or equal on. That means same thing. So, इसे हम ले सकते हैं x plus y plus z less than 1 is given. So, this is log x plus y plus z dx dy dz, the integral over integral is taken over all positive and zero values of x, y, z. This, that means x, y, z greater or equal to 0. Okay. Now we come to the solution. Solution is which इसको हम ऐसे लिखना पसंद करेंगे log of x plus y plus z dx
डी वाई डी जेड इक्वल्स टू, इट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स टू दियर वन माइनस वन, वाई टू दियर वन माइनस वन, जेड टू दियर वन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड. नाउ वी टेक द डिरिचले एक्सटेंशन एल एम एन दिस वन. सो फर्स्ट वी राइट डाउन गामा वन, गामा वन, गामा वन ओवर गामा वन प्लस वन प्लस वन, गामा थ्री. इंटीग्रल लिमिट व्हेन एक्स वाई जेड ऑल आर जीरो एंड पॉजिटिव, देन लोअर वैल्यू विल बी जीरो एंड अपर वैल्यू विल बी वन. ओके नाउ व्हाट इज एफ यू, दिस इज एफ यू. एफ यू मीन्स लॉग ऑफ यू. वी आर पुटिंग u in a space of x plus y plus z, and this is u to the power l plus m plus n minus 1 du. So this is coming 1 over 2, gamma 3 is also 2, abhi humne solve kiya tha, 0 to 1 yaya log u into u square du. ab bachcho integration karna hai, isko hum first lete hain, this is your first, this is your second. Aiye इंटीग्रेशन करते हैं. इंटीग्रेशन थोड़ा टिपिकल हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि इंटीग्रल टिपिकल है, बट ऐसा नहीं है, इजी है, देखते हैं. ओके वन बाई टू जीरो टू वन, फर्स्ट एज इट इज पुट करेंगे तो हटाइए इंटीग्रेशन, लॉग यू इंटू यू क्यूब बाई थ्री लिमिट जीरो टू वन माइनस, ये क्या होगा यू स्क्वेयर है हमारे पास और लॉग यू, लॉग यू का डिफरेंट इंटीग्रेशन ये वन ओवर यू एंड यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन यू क्यूब बाई थ्री डी यू. बच्चों ये मैं शॉर्टकट मेथड नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, ये वो मेथड है जो लॉन्ग मेथड आप जानते हैं. सो वन बाई टू लॉग यू इंटू यू क्यूब बाई थ्री जीरो टू वन माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायर रह गया, तो यू क्यूब बाई नाइन, दैट इज यू क्यूब बाई नाइन जीरो टू वन. अब पुट करें, सो वन बाई टू ये यू क्यूब बाई नाइन ही होगा, देख लो यू स्क्वायर था, इसका इंटीग्रेशन यू क्यूब बाई थ्री, ये है लॉग यू का डिफरेंशिएशन वन ओवर यू, इसका यू क्यूब बाई थ्री, तो यू स्क्वायर बाई थ्री यू क्यूब बाई नाइन हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी. अब हमें इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे सॉल्व करने के लिए देखो जब वन रखेंगे लॉग यू जीरो होता है, जीरो रखें तो ये जीरो, वैसे ये एक्चुअल में जब आप जीरो पुट करोगे तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म देगा, लेकिन जब हम उसे सॉल्व करते हैं वो भी जीरो आएगा, ये मैं आपको पहले भी कभी बता चुका हूँ, ध्यान रखना इस बारे में. अब हमने इसको वैल्यू रखा, वन रख रहे थे तो यहाँ पे तो आया माइनस वन बाई नाइन माइनस, अब हम जीरो रखेंगे यहाँ पे, ये तो हो ही चुका था जीरो, ये ऐसे सोचिए ये तो जीरो ही हो चुका था, माइनस वन बाई नाइन और दिस इज वन माइनस जीरो, सो इट इज कमिंग वैल्यू माइनस वन बाई एटीन, सो आंसर इज माइनस वन बाई एटीन. तो ये था हमारा क्वेश्चन, बस इस बात पर जरूर ध्यान रखना है वाई इट इज कमिंग जीरो. तो इसमें वैसे तो हम जनरली ऐसा सोच लेते हैं कि वन रखेंगे तो लॉग यू लॉग वन जीरो होता है, जीरो रखेंगे तो यू क्यूब में जीरो, बट यहाँ पर जब आप जीरो पुट करते हो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म देता है, क्योंकि इन्फाइनाइटी लॉग जीरो माइनस इन्फाइनाइटी इंटू जीरो, तो जब इंडिटरमिनेट फॉर्म देगा तो एल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे इसमें और तब सॉल्व करते हैं तो वो जीरो आता है, बट हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करते, आप इस बात को जानते होंगे. ओके तो बच्चों मैंने ये आपके सामने दो क्वेश्चन लिए, होप कि आपको ये समझ आए होंगे. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और लेते हैं, ये हटाता हूं मैं, एग्जाम्पल थ्री ले लेते हैं हम. एग्जाम्पल नंबर थ्री इज, अगली बार थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं अपने उसको आगे लेते हैं. सॉल्व या इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन, दिस इज डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन टू दी पावर थ्री. ये हम इसको जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया है मैं उस फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा, कुछ ऐसे आया हुआ है, प्रूव दैट वन बाई टू, ये वैल्यू उसने बोल दी कि ये आती है वन बाई टू लॉग टू माइनस फाइव बाई सिक्सटीन, ये हमें प्रूव करना है, लेकिन द इंटीग्रल कंडीशंस क्या हैं, बीइंग टेकन थ्रू आउट, किस तरह एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसी थी, द वॉल्यूम द इंटीग्रल बीइंग टेकन थ्रू आउट द वॉल्यूम बाउंडेड बाय
द प्लेन्स एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वन। अब आपको ये कहा गया है तो इससे तो सिर्फ ये पता चला लिमिट जीरो टू वन होगी हमारी। ओके बच्चों अब जरा इस पे आते हैं, यहाँ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या कहते हैं, वही इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू एस जीरो होता है इसे ऐसे लिखा, ये लिख दिया, ये लिख दिया एंड वन ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन टू द पावर थ्री। पहले इसे लिख सकते थे हम, पहले इसे लिख लेते क्योंकि एफ दिस वन थ्री एंड डी एक्स डी वाई डी जेड से पहले दिस इज डी एक्स डी वाई डी जेड। बच्चों ये अप्लाई करते हैं, कराइएगा जरा अप्लाई। गामा एल ये एम एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन लिमिट वाई जीरो टू वन, इससे देखा हमने। एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड को यू लेते हैं तो ये आएगा वन ओवर यू प्लस वन टू द पावर थ्री। देखो एफ यू मीन्स इतने को हमने यू लिया है तो वन ओवर यू प्लस वन टू द थ्री एंड यू टू द पावर वन प्लस वन माइनस वन डी यू। तो एक्चुअल में जो बन के आया क्वेश्चन यहां लेते हैं हम इसको, तो गामा वन तो वन ही होता है, गामा थ्री टू होता है तो वन ओवर टू जीरो टू वन यू स्क्वेयर ओवर यू प्लस वन टू द पावर थ्री डी यू। अब ऐसे में इसको सॉल्व कैसे करें, तो बच्चों यहां पर हम लेट करते हैं u प्लस वन इज t, तो u की वैल्यू जो आएगी द वैल्यू ऑफ u विल बी t माइनस वन, तो यहां से जो du होगा वो dt आएगा। तो बच्चों जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे वन ओवर टू, जरा मेरी हेल्प करिए, u प्लस वन ये था तो डी आया नीचे t क्यूब, u था t माइनस वन सो t माइनस वन होल स्क्वायर इज t स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन एंड डी टी, ये वैल्यू आ रही है। बच्चों लिमिट भी बदल लें, जब u जीरो है तो t वन होगा क्योंकि जीरो प्लस वन वन दिस इज वन ये होगा, और जब आपका u वन है तो t आपका टू होगा, सो दिस इज लिमिट फ्रॉम वन टू टू। ओके आगे सॉल्व करिए, वन बाई टू यदि हम इसे देखें तो ये वन बाई टी है माइनस टू ओवर टी स्क्वायर है प्लस वन ओवर टी क्यूब डी टी आर लिमिट वन ओवर टू दिस इज। ओके नाउ सो वन बाई टू इंटीग्रेशन दिस इज लॉग टी माइनस टू ओवर टी स्क्वायर दिस इज टी स्क्वायर, तो टी टू है माइनस टू होगा तो टी टू इधर माइनस टू इज माइनस वन ओवर टी ये टी आ जाएगा प्लस वन ओवर टी क्यूब, तो टी टू इधर माइनस थ्री का होगा दिस इज, तो ये आया माइनस वन ओवर टू इंटू टी स्क्वायर लिमिट वन टू टू। बच्चों वैल्यू रखते हैं, लॉग टू होगा लॉग टू यहाँ से लॉग टू रहेगा माइनस लॉग वन रखेंगे जीरो आ जाएगा प्लस टू अपॉन टू वन वैल्यू ये रखेंगे दिस इज माइनस वन ओवर टू वन ओवर टी स्क्वायर वन ओवर फोर माइनस वन ये वैल्यू आ गई। सो वन ओवर टू लॉग टू माइनस वन, और देखो ये वन बाई फोर माइनस वन है तो वन बाई फोर माइनस वन गिव्स माइनस थ्री बाई फोर दैट इज माइनस थ्री बाई एट ये वैल्यू आ गई। वन बाई टू लॉग टू माइनस एट माइनस इलेवन माइनस एट एंड माइनस थ्री ये माइनस होगा प्लस होगा ये देखना पड़ेगा। देखो वन बाई फोर माइनस वन, वन बाई फोर माइनस वन गिव्स माइनस थ्री बाई फोर और माइनस थ्री बाई फोर एंड दिस इज प्लस थ्री बाई एट सो माइनस एट प्लस थ्री दैट इज माइनस फाइव बाई एट सो आंसर इज कमिंग वन बाई टू लॉग टू माइनस फाइव बाई सिक्सटीन ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और शायद हमें यही प्रूव करना था, आप देख सकते हो हमको ये वैल्यू प्रूव करने थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है लेकिन अभी भी क्वेश्चन बचते हैं और मैं समझता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को पहले ट्राई करें सारों को और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दो तीन क्वेश्चन और लेके आऊँगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन जिससे हमारा ये टॉपिक बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, बार बार करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके आंसर जो भी आप सॉल्व कर रहे हो ये आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर इन्हीं के ही क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड दो क्वेश्चन हम लेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तब तक आप बने रहिएगा, सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू।